नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभाओं से भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जहां नरसिंहपुर विधानसभा से केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो तेंदुखेड़ा विधानसभा से विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया ने नामांकन भरा। गाडरवारा विधानसभा से सांसद उदय प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो गोटेगांव विधानसभा से महेंद्र नागेश ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले नरसिंहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। इस दौरान नरसिंहपुर से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अपनी बात रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा कि कम पढ़े लिखे लोगों से जो नुकसान होता है मैंने सुना है, वह बांध और बैराज में अंतर नहीं समझते। पिछले चुनावों में 17 गांवों के लोगों ने उनके चुनाव का बहिष्कार किया। आज मैं गर्व और आनंद से भरा हुआ हूं, नरसिंहपुर विधानसभा से मेरे प्रिय मित्र जिन्होंने मूल्यों की राजनीति सदैव की है और भारत की राजनीति में अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक नया स्थान बनाया है, भाई प्रहलाद पटेल जी नरसिंहपुर से उम्मीदवार है। आज वो फॉर्म भर रहे हैं और जनता का जो प्यार और आशीर्वाद दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है रिकॉर्ड वोटों से प्रहलाद भाई ये चुनाव जीतेंगे। प्रहलाद भाई तो जीतेंगे ही, लेकिन हम तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा और गोटेगांव सीट भी जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रखर नेतृत्व और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, उसके कारण कांग्रेस आज परेशान है और कांग्रेस परेशान होकर कन्या पूजन जैसे कार्यक्रमों को भी नाटक नौटंकी कह रही है। हम भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के साधक हैं और उसके साथ ही राजनीति करते हैं। हमारा विश्वास है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाए। समाजवादी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड ने भी सर ये बाल्यकाल की दोस्ती है, चार दशक की दोस्ती है, विचारों की एक रूपता है, खान पान की एक रूपता है। हम सब मध्य वर्ग के लोग हैं, हम सब विपरीत धारा में चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब ने अपने पुरुषार्थ और पुण्याई से किया है। खाली पुरुषार्थ से मैं नहीं मानता, पुण्याई से मानता हूँ। मेरे हम सबके पूर्वज गुरु जिनने मार्गदर्शन किया, सहयोगी मित्र जिनने कष्ट और कुर्बानियाँ दी, वो सब उसमें हिस्सेदार। हमारे पास साधन नहीं थे, हम विपरीत दिशा में चलकर यहाँ तक पहुँचने वाले लोग हैं, इसलिए उनने जो कहा उसमें 100% सच्चाई है। हम खाट पर लेटे थे गोटेगांव में, वो घटना उन्हें याद की, रेडियो में सुना कि शिवराज जी उस समय तो चैनल होते नहीं थे कि, और हमको कोई महत्व ही नहीं देता था उस समय, हमारी हैसियत ऐसी नहीं थी, लेकिन वो अध्यक्ष बने और हम महामंत्री बने। तो ये कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है कि वहां से लेकर अभी तक की यात्रा में, और मैं गर्व करता हूँ मेरे मित्र पर या हम सारे दोस्तों पर कि अभी तक हम पर किसी पर कोई कलंक नहीं है 40 साल की राजनीति में। कुल मिलाकर देखा जाए तो नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभाओं से भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जहां नरसिंहपुर विधानसभा से केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो तेंदुखेड़ा विधानसभा से विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया ने नामांकन भरा। गाडरवारा विधानसभा से सांसद उदय प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो गोटेगांव विधानसभा से महेंद्र नागेश ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज, गाडरवारा।